Hey guys, welcome to Next Gen Study. And in this video, we'll be discussing about planning in sports. देखते हैं कि planning होती क्या है. तो planning is a process of setting objectives and deciding how to accomplish the goals. It is important in sports because there is a definite time frame for achieving the objectives. So अगर आप कोई event organize कर रहे हो या फिर आप खुद किसी event में participate कर रहे हो तो you have a goal. कि मुझे इतने दिन में ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, मुझे इस डेट तक के सारे टास्क ख़त्म करने हैं. सो प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ द प्रोसेस दैट हेल्प्स यू सेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल्सो हेल्प्स यू अकम्पलिश द गोल्स. लेट अस लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. द फर्स्ट इज अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम. एज डिस्कस्ड अर्लियर कि अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करते हो, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, स्पोर्ट्स इवेंट, तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए. सो दैट इज़ हाउ प्लानिंग हेल्प्स. दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स. द अदर इज़ इम्प्रूविंग द सक्सेस परसेंटेज एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड द कॉज ऑफ फेलियर. नो ऑटोमेटिकली अगर आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ में लैक कर रहे हो, देन यू विल वर्क ऑन इट एंड योर सक्सेस परसेंटेज विल इंक्रीज. देन इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन फॉर द इवेंट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द फ्यूचर फोरकास्ट सेज कि अगले 3 दिन में बारिश होगी, तो यू विल डिसाइड और यू विल सेट योर इवेंट इन सच अ ड्यूरेशन दैट उस 3 दिन में आप सिर्फ इंडोर गेम्स रखोगे एंड 3 दिन बाद आप कोई आउटडोर गेम का प्लानिंग करोगे, बिकॉज नो वन वुड वॉन्ट टू प्ले इन रेन. द अदर ऑब्जेक्टिव इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क बिटवीन पीपल इन्वॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज. अब ऑर्गेनाइजिंग अ सच अ बिग इवेंट इज नॉट पॉसिबल विथ ओनली वन पर्सन. इट टेक्स एटलीस्ट मिनिमम ऑफ लाइक 10 to 20 पीपल टू ऑर्गेनाइज वन पर्टिकुलर इवेंट एट अ लार्ज स्केल. हेंस प्लानिंग हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क बिटवीन द पीपल इन्वॉल्व. इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द प्रोग्राम विद इन द बजट एंड इट इंक्रीजेज एफिशियंसी एंड एनहेंसेज क्रिएटिविटी. लेट अस लुक एट द कमिटीज इन्वॉल्व इन प्लानिंग. अब अगर आप कोई भी इवेंट कंडक्ट करवा रहे हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मतलब एक अकेला इंसान नहीं संभाल सकता. सो देर आर कमिटीज विच कंप्राइज ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल हु इंश्योर कि वो काम एकदम स्मूथली चले सो दैट द इवेंट ओवरऑल इज कंडक्टेड सक्सेसफुली. द फर्स्ट कमिटी इज कमिटी फॉर पब्लिसिटी. इनका काम होता है टू एडवर्टाइज द इवेंट. द सेकेंड होता है ट्रांसपोर्ट कमिटी हुज ड्यूटी इज़ टू मेक ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स फॉर द कॉम्पिटिटर्स एंड द गेस्ट्स. द थर्ड इज़ ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमिटी. सो इनका काम होता है टू इंश्योर जो भी ग्राउंड है, जो भी ट्रेड फील्ड या फिर जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं उस गेम में, वो सारे वेल मेंटेन्ड हो. द फोर्थ इज़ रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमिटी. इनका काम होता है टू सप्लाई ड्रिंक्स एंड अदर रिफ्रेशमेंट्स टू द गेस्ट कम्पिटिटर्स एंड जो भी ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं. द नेक्स्ट इज रिसेप्शन कमिटी. इनका काम होता है टू वेलकम द गेस्ट एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी. नाउ द नेक्स्ट इज कमिटी फॉर एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स. इनका काम होता है कि वेरियस इंस्टीट्यूट्स को एंट्रीज भेजे फॉर पार्टिसिपेटिंग इन देयर इवेंट. एंड इनका और एक काम होता है डैट इज टू प्रिपेयर फिक्स्चर्स फॉर द टीम्स पार्टिसिपेटिंग. अब फिक्स्चर्स क्या होता है, विल स्टडी इन द फर्दर स्लाइड्स. कमिटी फॉर ऑफिशियल्स. They are the referees, judges and other umpires and all who give the judgment and who ensure that the game is running smoothly. Announcement committee. Their work is to ensure ki jo bhi announcement ho rahi hai during game, they are given at the right moment and are given correctly. The first aid committee, which is the last committee, their work is to provide first aid to the injured sportsmen. Now, let's come to the topic of what is a tournament. It is a competition held between various teams in a particular activity and according to a fixed schedule where a winner is decided. Look at the importance of tournaments. The first is development of sports skills. So, agar aap kisi bhi tournament pe participate karoge, so you might get better knowledge of your sports skills which you have, and you'll also observe others and develop better skills. The second is it is helpful in selection of players. So good players can be selected easily by observing their performance in the tournament. Development of national and international integration. So jab koi tournament
हेल्ड होता है, तो उसमें सिर्फ नेशनल ही नहीं, बहुत ही इंटरनेशनल, दैट इज बाहर के कंट्री से भी टीम्स आके पार्टिसिपेट करती है. नाउ दैट गिव्स अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड डेवलप्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग्स द नेशंस. द फोर्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज. नाउ सोशल ट्रेट्स सच एज रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन, सिंपथी एंड टॉलरेंस एक्सेट्रा आर ऑल डेवलप्ड अमंग पार्टिसिपेंट्स थ्रू टूर्नामेंट्स. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग टूर्नामेंट दे आर कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स: प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. द फर्स्ट इज प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इसमें जो कमिटीज होती हैं उनका काम होता है बजट प्रिपेयर करना, स्केड्यूल प्रिपेयर करना एंड प्रिपेयर द ग्राउंड्स, कोर्ट्स, ट्रैक्स एंड ऑल द इक्विपमेंट्स. क्रिएट वेरियस कमिटीज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट एंड टू अरेंज द प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स फॉर द विनर. द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इसमें आता है टू एंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर द इनॉग्रेशन, चेक द ग्राउंड, ट्रैक एंड ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स टू एंश्योर दैट एवरी इवेंट इज बींग कंडक्टेड ऑन टाइम, टू मेक अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द इवेंट, टू मेंटेन अ प्रॉपर स्कोर शीट एंड टू मेंटेन डिसिप्लिन. अ पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच इज़ द लास्ट, जो टूर्नामेंट के सबसे बाद में होती हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मीडिया, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी रिफंड्स टू द डिपार्टिंग टीम्स, सारे रिकॉर्ड और फाइल्स करेक्ट करना, पेइंग द ऑफिशियल्स, दैट इज ऑफिशियल्स जो भी आपके मतलब एम्पायर्स हुए, कोचेस हुए वो सब, एंड प्रेजेंटिंग मोमेंटोस. दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल. ऑल्सो जॉइन अवर इंस्टाग्राम फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड डू कंसिडर जॉइनिंग आवर टेलीग्राम चैनल इफ़ यू वॉन्ट द PDF ऑफ द कंटेंट विच वी अपलोड. थैंक यू.